बहुत बढ़िया यार, यहाँ से सही में मेरा आज का दिन खराब। कूल। अब एक और बंदे की बारी। What's up everybody? Welcome to another vlog. पहले मैं अपने पता हेयर कट करवा लेता हूँ। पहले अपने मुर्गे से तो मिल रहे हैं। ये सीन है। अभी मैं सलून में गया था शेविंग वगैरह करवाने के लिए और हेयर स्टाइल चेंज करने के लिए, तो यहाँ से जा रहा हूँ सीधा राजूला की तरफ। पहले मैं एक बार पहुंच जाता हूँ वहाँ पे। मैं जाऊंगा उस साइड तो मेरे को पहले पता है यहाँ जाना पड़ेगा, पुल पार करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे जाना पड़ेगा। निकलते फिर आगे की तरफ। एक सेकंड, मुझे पता वो वाला लगा रामझूला जबकि वो सीतापुल है। ये रामझूला, हम चलेंगे यहाँ से। हाँ, यहाँ से नीचे फिर सीधा वहाँ पर। रास्ते पता है यहाँ पे बहुत सारे जाने गए। इस वाले रास्ते से मैं पहली बार आया हूँ नीचे। मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पे ये वाला रास्ता भी है। इस साइड जाना मुझे। एक मिनट, यहाँ से जाना है। कहाँ कहाँ आ रहा हूँ मैं नए नए रास्तों पर। यहाँ से A few moments later. सही में मेरा आज का दिन खराब है। एक तो मेरे को फ्लिपकार्ट वालों ने कॉल कर करके परेशान कर दिया, क्योंकि मेरे पापा ने कुछ ऑर्डर करा था फ्लिपकार्ट से और घर पे कोई था नहीं, और फ्लिपकार्ट वालों को कॉल आ रहा है मुझे, क्योंकि उन्होंने पता है मेरा वाला नंबर दे रखा ऑर्डर पे। एक तो उन्होंने मेरे को कॉल करते करते परेशान कर दिया, और ऊपर से आते आते पता मैं दो बार गिरने से बचा। एक बार सीढ़ियों से और एक बार यहाँ पर मैं क्रॉस करते समय गिर गया। पहले मैं वहाँ सीढ़ियों पर चलता हूँ। ये देखो, यहाँ से नहीं जाऊँगा। अरे वाह, मुझे लगा मैं धस जाऊंगा वहाँ नीचे। पहले मैं यहाँ बैठ जाऊँ। मैं देखो आया धूप के लिए था, लेकिन मैं बैठ छाया में रहूँ, कमाल है। तो सीन ये है पता है क्या, मेरा दिन खराब चल रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पता है मैं बाइक प्लान कर रहा हूँ, मतलब लेने के लिए। वैसे तो मेरे पास स्कूटी है, मेरे को बाइक लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पता है मेरा चुल हो रही है कि मैं एक बाइक ले ही लूँ। तो वैसे तो मैंने KTM RC 200 देखी थी नई वाली 2021 Husqvarna वेट प्लेन। वैसे मैंने अपने भाई को भेजा था शोरूम में, लेकिन पंगा ये हुआ था कि सैटरडे को पता उनका शोरूम बंद होता है और संडे को उन लोगों का शोरूम खुला होता है। बजाज वाले भी अजीब ही हैं। बजाज वाले मैंने इसलिए कहा क्योंकि KTM बजाज Husqvarna एक ही तो है, और यहाँ पता बहुत हबड़ा तबड़ी चल रही। कहने का मतलब ये सारी चीजें जल्दी जल्दी भाग रही है मेरे साथ, क्योंकि पता इससे पहले मैं मतलब फ्रंट ऑफिस में था रिसेप्शन में, तो मैं नाइट किया करता था। फिलहाल तो मेरी मॉर्निंग शिफ्ट लग गई है, इसके चक्कर में पता है मेरे को कपड़ों की जरूरत, और जल्दी जल्दी पता है मेरे को कपड़े अरेंज करने पड़ेंगे। और मतलब मैंने शेव वगैरह भी नहीं करी थी और हेयर कट भी नहीं कराया था। हेयर कट मैंने इसलिए नहीं कराया था क्योंकि मैं सोच रहा था अपने बाल थोड़े बढ़ा लूं, फिर उसके बाद कट करूंगा। फिर मेरे को ऑपरेशन मैनेजर ने बोला हेयर कट करवाने के लिए। जब मैं हेयर कट करवाने गया तो सैलून वाले ने मेरे को बोला कि तुम्हारे बाल पता कुछ ज्यादा ही छोटे हैं। तो इसके चक्कर में मैंने जैसे वैसे मतलब हेयर स्टाइल करवा लिया, जैसा भी हुआ। और मतलब कल परसों में वहां पे गया था नीम बीच पे। मेरा मन कर रहा था मैं रामझूला की तरफ जाऊं, क्योंकि पता है रामझूला बीच जैसा ही है और नीम बीच से 10 गुना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पता है यहाँ पर पुल मिल जाता है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मुद्दा यह है, सोच के देखो, जो बंदा पता है अपने लिए शूज नहीं ले सकता, नहीं जानबूझ के नहीं लेता मैं अपने लिए, क्योंकि पता मैं अपने सारे के सारे पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अभी मेरे को वापस होटल से कॉल आ गया था, क्योंकि मैंने गार्ड अंकल को गेट खुलवाने के लिए कॉल किया था, फिर उनका कॉल आया, उन्होंने बोला सर आपका मिस कॉल आया था। मैंने कहा हाँ, वो मेरे को गेट खुलवाना था इसीलिए। तो मैं ये कह रहा था जो बंदा अपने लिए शूज नहीं लेता जानबूझ के 1000 रुपए के, वो बंदा 2.5 लाख की बाइक लेगा कैसे। वैसे तो मैं ले लूँ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पंगा यार 2.5 लाख की बाइक लेने से अच्छा मैं उन 2.5 लाख को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दूंगा। और वैसे मेरे को अभी पता बाइक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता पहले मेरे को बाइक सीखनी पड़ेगी सही से। वैसे मेरे को एक्चुअली में आती है, लेकिन मेरे को पहले सीखनी पड़ेगी और भी अच्छे तरीके से। तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपनी स्कूटी ना दिल्ली से मंगा लूँ। वैसे मेरा भाई स्कूटी को लेकर जाता है क्लासेस के लिए, तो इसके चक्कर में पता वो स्कूटी उसी के पास रहती है, इसलिए मैंने अभी मंगाया नहीं। फिलहाल देखते हैं, वैसे मेरे को जरूरत नहीं है। वैसे मैं पता मंगा किस ले रहा हूँ, क्योंकि जब मेरे को इधर उधर जाना पड़ता है ना, तो मेरे को स्कूटी की जरूरत पड़ती है। तो इसी के चक्कर में पता मैं मंगाने की सोच रहा था, एक बाइक और एक स्कूटी, दोनों में से कुछ भी आ जाए। तो बाइक तो मेरे ऊपर डिपेंड करती है, मैं जब चाहूँ ले सकता हूँ, EMIs पे करनी पड़ेगी बस। लेकिन फिलहाल तो मैं अपने मन को थोड़ा थाम लूँ, क्योंकि अगर मैंने बाइक ली ना, झेला नहीं जाएगा उससे, वो 2.5 लाख का नुकसान। टेम्परेरी और प्रेजेंट सिचुएशन में तो मस्त शो ऑफ बनेगा कि ओ बंदे ने बाइक ले रखी है, ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन फ्यूचर में पता है उस बाइक से मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि 2.5 लाख रुपए लगा के पता है मेरे को 1 रुपया भी रिटर्न में नहीं मिलेगा। लेकिन वही 2.5 लाख में स्टॉक मार्केट में लगा दूंगा ना, मेरे को पता नहीं कितने सारे रिटर्न मिल जाएंगे। तो इसी के चक्कर में पता है अभी मैंने बाइक लेने का प्लान कैंसिल नहीं करा, लेकिन अब मैंने कैंसिल कर दिया। और जब मेरे बाइक की क्लासेस खत्म हो जाएगी तब मैं उसकी स्कूटी को मंगा लूंगा। एंटॉक की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमने हाल ही में ली थी, नहीं तो मेरे बाइक की क्लासेस खत्म होने से पहले भी मैं उस एंटॉक को मंगा ही लूंगा। अब मैं पानी में जरूर जाता, बस पंगा ये है चप्पलें पहन के मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे, रेत में मेरे पैर होंगे गंदे, पानी में मेरे पैर होंगे गीले, और मैं वहां से गिरता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा हुआ मैं पानी में नहीं गिरा। वो बाइक वाला देखो कैसे जा रहा है ऊपर, बाइक वाला का मस्त सिस्टम है, ऊपर ऊपर घूमते रहता है। वो बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा था, या तो वो प्रैक्टिस कर रहा है
हाँ हाल चाल देख के तो यही लग रहा है प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन नीचे गिर गया। देखते अब करेगा, वो कर लिया, प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, बंदे को आता था। अब एक और बंदे की बारी, आजा आजा आजा, वो आया। वो दिल्ली में आओ एक बार, तुम्हें सीपी में इतने बंदे मिल जाएंगे सेंट्रल पार्क में पार्कोर करते हुए, मतलब हद क्या। एक बार तुम खुद ही यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, इतने सारे बंदे मिल जाएंगे तुम्हें स्टंट मारने वाले। लेकिन कुछ भी को पता, बड़े मजे आते हैं पार्कोर करने में। अब मैं वहां पे कभी गया नहीं, और वहां पे मेरे को ना ही तो रिजॉर्ट लग रहा है, ना ही होटल, ना ही लॉज, ना ही कुछ और, ना ही कोई शॉप। लेकिन मैं यहाँ आ गया हूँ, गिरते पड़ते तो थोड़ा आगे चल ही लेते हैं। वैसे अच्छी बात यह है कि मेरे YouTube चैनल में 170 वीडियो होने वाली है, और जल्दी 200 हो जाएंगी, फिर जल्दी 250, फिर जल्दी 300, 400, 500, 600, पता नहीं कितनी होंगी, लेकिन जो होनी है वो चीज़ होनी रही अभी तक। लेकिन वीडियो गई तेल लेने के लिए, क्योंकि पता है अब मैं रोक भी नहीं सकता अपने आप को वीडियो बनाने से, क्योंकि पता है मेरे को एक आदत सी पड़ चुकी है। मैं मतलब वीडियो बनाए बिना रह ही नहीं पाता, मतलब ऐसी बात नहीं है रह नहीं पाता, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे हाथ पैर ना अपने आप ही काम करने लगते हैं। जिस दिन मैं सोचता हूँ मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, अचानक ही कुछ ऐसा होता है मेरे साथ, मैं एक घंटे के अंदर अपना पूरा वीडियो बना देता हूँ, और उसके बाद उसे 3-4 घंटे में एडिट भी कर देता हूँ। जैसे मैंने आज सोचा था कि मैं आज व्लॉग नहीं बनाऊंगा, लेकिन देखो मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, गिरने के बाद भी मैं व्लॉग बना रहा हूँ, और देखो मैं पानी में नहीं जाना चाहता, मैं फिर भी पानी में जा रहा हूँ। ये झाग कैसे आ रहा है यहाँ पे, अरे वाह झाग है यहाँ पे। चलो भैया, ठंडा है पानी, इतना भी ज्यादा नहीं है। मैंने राम झूला आके बहुत सारे सिनेमैटिक शॉट्स बनाए, लेकिन पता है वैसे मैंने वो एक मिनट, अरे मैंने एक चीज पता है बेबी नोटिस करी। अब मैंने क्या नोटिस करा मेरे को ये याद नहीं आ रहा, बस पंगा ही है। लेकिन मैं पता है यहाँ पे थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स लेता हूँ, क्योंकि मेरा मूड कर रहा है, क्योंकि पता है अभी तक मैंने पता है सही से फोन से सिनेमैटिक शॉट लिए नहीं और सही से एडिट किया नहीं, तो क्यों ना कर ही लेते हैं। मैंने बंदों की बहुत सारी वीडियोस बनाई, और बंदों ने बताया मेरे से स्लो मोशन भी बनवाया अपने लिए। लेकिन कुछ भी को पता है स्टंट सीखने के अपने मजे होते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, लेकिन जब आ जाते हैं ना तो बड़ा कूल सा लगता है। ठीक है ब्रो, मिलते हैं, गॉडसन ब्लॉग्स आ जाओगे तुम। वैसे मैं सिर्फ यहाँ पे घूमने आया था, मेरे को पता है यहाँ से सीधा जाना है सुधांशु लोगों के यहाँ, क्योंकि मेरे पापा आ चुके हैं दिल्ली से कपड़े लेके। मैंने कल ही अपने भाई को कॉल करा था कपड़ों को ले, तो वो बंदा जल्दी जल्दी गया शॉपिंग करने शाम को, तो सारे का सारे कपड़े वपड़े लेके मेरे पापा निकल चुके हैं वहाँ से, मेरे पापा निकल चुके हैं दिल्ली से फिलहाल, तो पता है वो कहाँ आ गए होंगे। वैसे मैंने थोड़ी देर पहले कॉल करा था, वो थे मेरठ में, अब तो मतलब काफी आगे तक आ चुके होंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है मैंने क्या करी, मैं अपना चार्जर लाने वाला था लेकिन मैं ला नहीं पाया, क्योंकि मैं भूल गया, और यहाँ से जाना मेरे को सुधांशु लोगों के यहाँ। और आज पता मतलब मेरी शिफ्ट थी, लेकिन मैंने छुट्टी ले ली, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो रखी थी 2-3 दिनों से, इसीलिए कल रात को पता है मैंने कितनी देर तक काम किया, सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक। और फिर मैं 2 बजे आया, करीब 2:30 बजे तक सो गया, फिर मैं आराम से उठा करीब 11 बजे, और जैसे मैंने अपना फोन खोला देखा इतनी सारी मिस कॉल, मेरे को पता ही नहीं चला मेरा फोन बज रहा है, शायद मेरा फोन पता है साइलेंट पे था उस समय। और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ सुधांशु लोगों के यहाँ, क्योंकि मेरे को पता है अपना लगेज लेना है वहाँ से, उसमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं मेरे, इसीलिए। A few moments later. चलो अभी की सबसे अच्छी बात यह है, आज का मेरा दिन बहुत बुरा है, लेकिन पता है मैं वहाँ पे गिरा, वहाँ पे गिरते गिरते बचा, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज चली है मेरे साथ वो पता है क्या है, मेरे सारे के सारे शेयर्स पता है प्रॉफिट में। कहने का मतलब है मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो चुकी है, लेकिन मेरा जो पोर्टफोलियो है ना वो पूरा का पूरा चल रहा है प्रॉफिट में। मैंने जिस कंपनी के शेयर्स ले लेते ना, वो सारे की सारी कंपनीज पता है अपर सर्किट पे लगी हुई है, लेकिन मार्केट क्रैश है, लेकिन मैं हूँ प्रॉफिट में। अच्छी बात है, कुछ तो अच्छा हो रहा है मेरे साथ। मुद्दा ये है, मैंने 8,000 इन्वेस्ट करे थे, क्या ओ सॉरी 8,000 हाँ मैंने 8,000 इन्वेस्ट करे थे, और वो हो चुके हैं इस समय 19,000, लेकिन चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग।